वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडी लाइट का चार्ट। ये पिछले कुछ 10 सालों का वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने, और आपकी स्क्रीन पे टर्निंग पॉइंट्स मैंने जो क्रिटिकल इसके पी रेशियोज हैं वो मार्क रखे हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2013, क्योंकि इसका पी रेशियो 48 था, फिर उसके बाद मिनिमम 31 तक गया, फिर अगेन 2015 में पी का एक्सपेंशन हुआ, 61 तक गया और 25 गया। देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट होते हैं, पी जो भी होता है हमेशा एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता मार्केट में। जो भी स्टॉक का या बिजनेस का जो भी फ्यूचर पोटेंशियल होता है उसके हिसाब से मार्केट जो उसको वैल्यूएशन जो है उसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करती रहती है। अगर आप देखेंगे पिछले 2013 से 14-15 तक जो है 48 से 31 के बीच में घूमता रहा, फिर 2015 के बाद इसका एक्सपेंशन हुआ, पी रेशियो 48 से 61 तक गया, ओके फिर मिनिमम जो आया फिर 35 तक गया। इसका मतलब जो नीचे की रेंज है वो 30-35 तक जो है इसकी लिमिटेड रही, ओके। और फिर देखेंगे कुछ सालों तक 2018 तक भी 60 तक गया मैक्सिमम, और फिर 2018 के बाद देखिए अगेन यहाँ पर पी एक्सपेंशन हुआ, उसका जो है 72 तक पी चला गया, और उसका जो 2019 में या 18 में जो मिनिमम गया था वो 50 का पी रेशियो गया था। और अभी भी कोरोना का फॉल आया तो जो इसका देखिए 53 तक का जो है मिनिमम पी रेशियो हुआ, इससे कम जो है मार्केट ने इसको वैल्यूएशन नहीं दिया। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 10 ईयर एवरेज जो आता है इसका मीडियन पी 42 का आ रहा है, और पी रेंज अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 30-72 है। हाउएवर मार्केट का जो इमोशनल जो वो होता है वैल्यूएशन होता है वो इमोशंस पर चलता है और बिजनेस पोटेंशियल पर चलता है। तो अगर आप मीडियम टर्म में देखेंगे तो 50-72 इज़ अ गुड रेंज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द पीडी लाइट। सो नीचे के लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 या 50 तक जो है इसका पी वैल्यूएशन बहुत ख़राब स्थिति में जाता है। तो क्योंकि ये इसका एक बहुत अच्छा पैरामीटर ये भी है कि देखिए सबसे गंदा टाइम जो होता है मार्केट में या दुनिया में, जैसे अभी कोरोना का आया था तो वो आप फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में, उस समय 53 का गया, ये तो एकदम वर्स्ट पॉसिबल केस में सोचे हुआ है ऐसा, ठीक है, मार्केट में 53 तक लगाया एकदम से जंप जो है उसके रिकवर हो गया था। तो ये थोड़ा सा आप लोग बैक ऑफ माइंड रखें। अब देखिए मैंने जो है ना मार्केट कैप इसका निकाल लिया है वो 68,000 करोड़ है। वैसे भी केमिकल इंडस्ट्री में सबसे नंबर वन कंपनी है पीडी लाइट, इतना अच्छा शेयर है, इतना बेस्ट शेयर आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। इसका जो प्रोडक्ट है दोस्तों फेविकोल, वो अपने आप में इतना बड़ा मोट है, मोट बिजनेस है, जो इसका दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई थ्रेट नहीं है। आने वालों कुछ सालों तक इसका बिजनेस बहुत ही सिक्योर है, ओके। और इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ईपीएस है दोस्तों वो 22 का आ रहा है मार्च 20 के रिजल्ट के बेसिस पे। अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं 6 अगस्त को, तो हम देखेंगे उसका एक्सपेक्टेड यही कि दोस्तों उसका पी कम होगा, ईपीएस कम होगा, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन के चक्कर में वो उसका बिजनेस जो है इम्पैक्ट हुआ है थोड़ा सा। और इसका जो प्राइस प्राइस लेवल से अगर निकालेंगे दोस्तों, देखिए 72 का अगर हम मैक्सिमम पी लेके चलें जो अभी गया था इसका, उसके बेसिस पे प्राइस जो आ रहा है 1584 तक आ रहा है बेस्ड ऑन दी मार्च क्वार्टर एनुअल ईपीएस 22, ओके। और अगर हम 50 नीचे के लेवल 50 तक का भी देख लें तो इसका जो है 1100 का प्राइस आ रहा है इस बेस्ड ऑन दिस पी। और अभी रिजल्ट जो आएगा आई थिंक ईपीएस उसमें कम होगा, तो इसमें जो प्राइस टारगेट्स और कम ही हो जाएंगे, पर स्टिल आप 1100 इज़ अ वेरी गुड रेंज फॉर दिस शेयर टू फॉर एक्यूमुलेशन, ओके। तो अगर आपने अभी 1400 या 1300 में भी ले रखा है तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, उसको होल्ड करिए। एकदम जो नामी ग्रामी अच्छे शेयर होते हैं उनको होल्ड करने में भी हमें एक प्राउड फील होना चाहिए, कुछ चाहे बहुत ख़राब लेवल पे इन्होंने कभी भी नहीं जाएंगे, हो सकता है 1100 तक चले जाएँ, 1100-1200 तक, कोई बात नहीं, आप होल्ड करिए, उसका डिविडेंड का मजा लीजिए, और जब ऊपर जाएगा शेयर तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आप ऐसा, या और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप नीचे के लेवल्स पे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा इसमें, और आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट जो है अपना रेडी रखिए, कुछ अमाउंट जब 1100-1200 तक आएगा शेयर तो आप जो है। अच्छा एक चीज़ और भूल गया मैं, देखिए अभी करंट का जो पी चल रहा है दोस्तों, जो प्राइस पे 60 का चल रहा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है अभी करंट पी है 1357, तो 60 का पी है। तो हम देखेंगे मीडियम जो रेंज है पी की 50-72 है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अभी थोड़ा सा आप कुछ अमाउंट डाल सकते हैं, चांसेस यही है कि और नीचे आएगा, क्योंकि दोस्तों इसका रिजल्ट इंपैक्ट होने वाला है उसका। तो 55 तक का अगर पी आता है, 50-55 के बीच में, ठीक है, तो आप जो है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।